जन्म ये बात का है। ये ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। कौन कौन लोग बोलता है, एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, क्या मजाक है, सही बात क्या है, एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे, राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति, एकदम बोगस बात है, हमारी कोई इच्छा नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों एक साथ आज नजर आए हैं। कल सरकार गठन होने के बाद आज सप्तमूर्ति पर जो है वो पहुंचे थे तेजस्वी और नीतीश दोनों, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। और इसको आने के बाद जिस प्रकार से माल्य अर्पण किया गया और उसके बाद निशाना भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार जो है वो किया है। सुशील कुमार मोदी को लेकर नीतीश कुमार ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सुशील कुमार मोदी को जो बोलना है उनको बोलने दीजिए, अगर हमारे ऊपर उनको बोलने से शायद वह जगह पर आ जाएं तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे तो उनके बारे में सबको जग जाहिर है। सुशील कुमार मोदी पर किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है कि हमारे ऊपर बोलने पर अगर उनको कोई पद मिल जाता है तो अच्छी बात है। जरा सुनिए इनके बयान को। सबसे पहले जो बापू के नेतृत्व में हुआ देश की आज़ादी के लिए जो कुछ भी काम, आप जानते ही हैं, 9 तारीख से शुरू हुआ अक्टूबर से 1942 में, और बिहार में और पटना में वही 11 तारीख को यहाँ पर इन सब लोगों ने त्याग किया, इतनी इनकी कुर्बानी हुई, तो तब से तो हम लोग आते हैं, मनाते हैं और इसमें कई लोगों के परिवार तक में हम लोग जाते रहे हैं। तो ये तो आकर के सब लोगों को पता ही ना भाई देश कैसे आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के लिए जिनकी कुर्बानी बीजेपी ने सरकार की समय सीमा 6 से 8 महीने तय कर दी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। ये बीजेपी ने, बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने ये बात कहा है। ये ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। कौन कौन लोग बोलता है, एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, क्या मजाक है, सही बात क्या है, एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे, राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति, एकदम बोगस बात है, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया और वही तो वेट कर रहे थे, जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं, अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं, तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना है, कुछ उनको जगह मिल जाए, पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी, पहले हुआ करते थे वो नहीं थे इसीलिए गठबंधन टूट गया क्या। अरे क्या बात करते हैं, ये लोग किस तरह से काम किए हैं। हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे, पिछली बार कल भी कह दिए हैं, लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं ना था। और हम लोग बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके, तो फिर हम लोग अब साथ आ गए हैं, हम मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे करे, हम लोग जान लीजिए पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का, इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है, देखिए जो पावर में है, आप पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते रहे उसे क्या मतलब। सरकार है कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया, पीएफआई पे कार्रवाई हुई इसीलिए ना, ये सब फालतू चीज है, बिना मतलब की बात है। अब क्या हुआ था, हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी, और अब जिस तरह से हराया गया था हम लोगों का, लोग उनको जिताने में मदद, कल ही कह चुके हैं, इसलिए ये सब बेकार चीज सोच रहे हैं।